धीरे धीरे बन रहा है हमारा सपनों का घर दोस्तों। हमारा सपनों का घर इतना खड़ा हो चुका है भाई, मिस्त्री लोगों ने देख रहे की दरवाजा कहाँ छोड़ना है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम काफी आज खुश है दोस्तों कि हमारा घर भी उठ चुका है, बहुत इतना हाइट उठ गया है, तो आपको दिखाएंगे। हमारा रविश भी आ जाने वाला दोस्तों, मतलब जमीन लेवल तो आपको भराना पड़ेगा मट्टी, मतलब ये सब मट्टी जो इधर इसको उठा के उधर डालेंगे तो इधर ये टाइम भी लगेगा और इधर भी गड्ढा हो जाएगा, इसीलिए हमने सोचा कि दो तीन गाड़ी रबिस मंगा लें और रूम में डाल के उसको, मतलब उसको बराबर कर दे जमीन, तो उसके लिए ऑर्डर कर दिया है, तो अपना आएगा। और हमारा गुल्लू भी आ रहा है, चलिए रबिस क्या करके आए रे, लाल के सो गई उधर वाला रबिस में खेल खेल के नहीं, वो मिट्टी में गिर के आया है। देखिए आ गया हमारा गुल्लू भी। अत्ता इधर बात करो पहले, अत्ता हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय हो गया इसका। आप दिन भर खेलते रहेगा? नहीं खेलते, खाली मट्टी में ही खेलता है दोस्तों दिन भर। यहाँ जमीन भी थोड़ा ठीक है, अब तो धीरे धीरे बराबर हो रहा है, तो जमीन थोड़ा देखने लायक हो गया है। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए दोस्तों। दोस्तों रविश भी आ गया हमारा मट्टी, ये गड्ढा भरने के लिए हम लोगों ने रविश मंगाया है, जो ईटा का गुंडी रहता वही सब है, यहाँ पर भर देंगे अंदर में तो जमीन धंसेगा नहीं, इसीलिए मंगाया। तीन मंगाए हैं। लाइट का इतना दीवार उठ गया है भाई, मिस्त्री लोगों ने देख रहे हैं कि दरवाजा कहाँ छोड़ना है, वही देख रहे हैं कितना इंची कितना वाइज छोड़ेंगे। लग रहा सो गया है तो पता नहीं, एक गाड़ी का बाद सोया हुआ था मिस्त्री, अभी तक आया नहीं है, तो एक गाड़ी गिरा दिया रवि, तो फिर पता नहीं कहाँ चला गया। देख रहे कि दरवाजा कहाँ रखाएगा, कहाँ क्या चीज़, अपना लोग अपना हिसाब से नाप ले रहे मिस्त्री लोगों ने किधर कैसे देना है, क्योंकि बीच में हम लोग सोच रहे हैं ये ला बीच में तो 5 इंची का दीवार दें, बाकी सब तरफ 10 इंची का रहेगा, इसी में थोड़ा मिस्त्री लोग देख रहे हैं कैसे क्या करना है। अब पूरा हमारा टाई बीम जो था ना ये सब बना गया, ये DVC होता ना, तो हमारा ये जो दिख रहा ना दोस्तों, ये पूरा जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये DVC है, ये पूरा हमारा चारों साइड बना गया है कि थोड़ा घसकेगा नहीं दीवार, इसलिए दिया गया है पिलर जैसा, पिलर है जैसा, पर पिलर जैसा काम नहीं करता, इसमें रॉड नहीं रहता है, खाली गिट्टी और सीमेंट से बना हुआ है ये, तो अभी तो चलिए हो ही रहा है काम हमारा। ईटा हाँ, इसमें ईटा भी तो रहता है, इसीलिए तो बोले ईटा से चिन को ऊपर रख लेंगे, खतरा है, तो ये टूटी हुई है और डस उड़ रहा है ना, इतना लग जाएगा, एक गाड़ी वहाँ पे गिराएगा ना, भरो सब मिलके क्या, अब खाली भरना बच गया सब। प्लान कर दे दे। हाँ तो लोग काम कर रहे अपना, बैठे थोड़ी ना, अपना इधर बराबर भी हो गया हमारा सारा जमीन, देखते अब थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है क्या, पूरा बराबर हो गया है, अब कैसा दिख रहा है, इधर क्यों गड्ढा कर रहे, इधर इसका मट्टी उसमें भरा जाएगा, मतलब इसीलिए इधर गड्ढा कर दिया ना, क्या बोले, अच्छा ये बराबर हो गया सब क्या तेरा, अभी देखने में भी अच्छा लग रहा है बराबर होने के बाद जमीन तुम्हारा, अभी ये सब पूरा भी और बराबर, और थोड़ा ये सब जो है ऊंचा ऊंचा वो भी भर के लेवल पे, उसका लेवल से कर रहे हैं। हाँ पहला ऊपर का छाट छाट के फिर जहाँ जहाँ गड्ढा है ना वो सब, अच्छा है चलिए हो रहा है, अभी एक गाड़ी गिरा है रविश, और गिरेगा, अभी यार गिरेगा कितना, दो गाड़ी और गिराएंगे तब, इतना में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आज का हमारा काम हो गया, देख सकते हैं इतना दीवार खड़ा हो गया हमारा, और कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, धीरे धीरे बन रहा है हमारा सपनों का घर दोस्तों, और हम इतना तैयारी हो गए जल्दी जल्दी दोस्तों, नंदिनी को जाना है खेत में, मतलब हल्दी है ना, हाँ दोस्तों हल्दी है तो बुलाए हैं तो जा रहे हैं, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे कि यहाँ का किस तरह से हल्दी होता है दोस्तों, बगले में हो रहा है, बुलाए हैं तो हम बोले चलिए, तो बोलते हमारा भी
तो मतलब चलिए हम भी बना लेते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा मिल जाएगा दोस्तों। तुम बोले बोलो कि हम जाएंगे तो आप लोगों को भी देखिएगा कैसे हल्दी यहाँ का होता है, शादी का कार्यक्रम से बोलो चलो। तो चलिए दोस्तों, हम इतना सर धज के जा रहे हैं ना, थोड़ा हल्दी है यहाँ पे, यहाँ का शादी अभी पहला शादी है दोस्तों, ये बस्ती में हमारा पहला पार्टी है दोस्तों, पहला शादी में जा रही हल्दी में, तो ही जा रहे दोस्तों। तो वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ का रस्म कैसा होता है, रस्म मिलेगा शादी का रस्म। चलिए हमारा घर तो इतना बन गया दोस्तों, आज का काम इतने तक, मिस्त्री लोग भी चले गए हैं, तो चलिए अभी हम लोग भी चलते हैं। तो फ्रेंड हम फाइनली पहुँच गए हैं हल्दी रस्म में और हल्दी स्टार्ट हो गया है, बाकी फिर उसके बाद हम फोटो वोटो हम लोग लिए, वो मेरे को भी लिए, हम लोग फैमिली को इतना क्या लेना है, फिर भी जबरदस्ती फोटो खींचा है, खींचे मजा आया ना, हाँ कैमरा से खींचे, हमको भी ले लेते, हम भी ले लिए दोस्तों। और मतलब फिर शाम को भी जाना कि थोड़ा और रात होगा, तो अब गुल्लू इतना गुस्सा ना, उसकी चाची मनाई सब मनाया तब चुप हो के घर आया है, समझे, चाय जब प्लेट में बट रहा था ना, जब चाय नहीं दिए ना, गुस्सा से इधर ले लिए, हम वीडियो बना रहे थे ना पीछे कैमरा से, बहुत काफ़ी भीड़ था शादी में तो जानते ही है, तो उसके लिए गुस्सा था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और इतना दिन के बाद गए थे शादी में, और कोई हल्दी में गए थे, इतना इंजॉय लिए थे हम, तो मजा किया ना, आपको भी जाना था, हम इसमें क्या करें, लेडीज थोड़ी ना, तो लेडीज का ही काम होता दोस्तों जाने, कितना इंजॉय, बहुत इंजॉय आया था, बहुत इंजॉय क्योंकि यार क्या आज तो सच बताए ना हम आपको कि हल्दी पहली बार हम गए थे इतने दिनों के बाद, अभी एक साल बाद गए थे, इतने दिनों के बाद हल्दी देखे, सब सभी कोई नाचने लगे, उसकी दादी की तो चलते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।